नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की एक बार फिर से विधिवत ताजपोशी होने जा रही है, यानी कि उन्हें 12वीं बार आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है। आपको बताते चले कि आज यानी 9 अक्टूबर को दिल्ली में आरजेडी की कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने जा रही है, जहां पर आरजेडी का अधिवेशन खोला जाएगा। इतना ही नहीं, कल यानी 10 अक्टूबर को आरजेडी के लिए एक बेहद अहम और खास दिन है, जहां पर लालू प्रसाद यादव की ताजपोशी की जाएगी। एक बार फिर से आरजेडी की कमान लालू प्रसाद यादव के हाथों में सौंप दी जाएगी। आपको बताते चले कि जब से आरजेडी की स्थापना हुई है, यानी कि साल 1997 से, तब से लगातार लालू प्रसाद यादव ही आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और ये 12वीं बार है जब उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है। हालांकि संशय उप मुख्यमंत्री यानी कि तेजस्वी यादव पर भी बरकरार था और ऐसा माना जा रहा था कि अब आरजेडी की सारी जिम्मेदारी और कमान तेजस्वी यादव के हाथों में सौंप देनी चाहिए, लेकिन तेजस्वी यादव इस जिम्मेदारी से पीछे हट गए। उनका कहना है कि उनके पिता अभी आरजेडी की कमान संभालने में पूरी तरीके से सक्षम है। लालू प्रसाद यादव की जरूरत आरजेडी को अभी सख्त है, इसलिए एक बार फिर से उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। दरअसल सोमवार को लालू प्रसाद यादव की विधिवत ताजपोशी होगी, उन्हें एक बार फिर से पार्टी की कमान सौंपी जाएगी। हालांकि लालू प्रसाद पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जा चुके हैं, अब उनके नाम की घोषणा की महज औपचारिकता पूरी होनी है। राष्ट्रीय अधिवेशन में उनके नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। गौरतलब है कि पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में 9 और 10 अक्टूबर को होगा। इसमें बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद हालात पर चर्चा होगी। पहले दिन यानी कि आज रविवार को नई दिल्ली के एनडीएमसी के कन्वेंशन सेंटर में निवर्तमान राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें राष्ट्रीय परिषद की बैठक एवं पार्टी के खुले अधिवेशन में रखे जाने वाले प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। 10 अक्टूबर यानी कि सोमवार के दिन नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में राष्ट्रीय परिषद की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अधिवेशन में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के शामिल होने ना होने की अटकलों के बीच उन्होंने अपने समर्थकों से खबर भिजवाई कि उनकी तबीयत खराब है, तबीयत ठीक होने पर ही वो बैठक में शामिल होंगे। उधर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को आरजेडी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के जगदानंद के सुझाव पर भी राष्ट्रीय परिषद में चर्चा हो सकती है। नई दिल्ली में आज आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, जहां पर आरजेडी के तमाम नेता पटना से दिल्ली पहुंच चुके हैं। खुद बिहार सरकार में पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह इस्तीफा देने के बाद सबसे पहले दिल्ली पहुंचे, जहां पर उन्होंने लालू प्रसाद यादव से बीती रात मुलाकात की। विभिन्न मुद्दों पर उन दोनों के बीच चर्चा हुई है, लेकिन आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह अभी तक दिल्ली नहीं पहुंचे हैं, उनकी कोई खोज खबर नहीं मिल पा रही है। आपको ये बता दें कि जगदानंद सिंह ने अपने पद से इस्तीफा देने का प्रस्ताव आरजेडी के सामने रख दिया है। उन्होंने अपना त्याग पत्र का प्रस्ताव रखा है, जिसके बाद वो अचानक से गायब हो गए हैं और अपने आदमियों से उन्होंने ये खबर भिजवाई है कि उनकी तबीयत खराब है। अगर उनकी तबीयत ठीक हुई तभी वो बैठक में शामिल हो सकेंगे। जगदानंद सिंह ने ही तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का सुझाव रखा था, जिस पर आज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी चर्चा होनी है। लेकिन खास और अहम बात तो ये है कि लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुने जाएंगे, जिनकी ताजपोशी कल यानी 10 अक्टूबर को होनी है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही, नकली अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।